गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ऑपरेशन तमंचा के दूसरे चरण के अभियान के तहत बेलघाट थाने की पुलिस ने दो अभियुक्तों गुड्डू कनौजिया और यागवेंद्र यादव उर्फ बबलू यादव को किया गिरफ्तार। दो अवैध देसी तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल, दो मोबाइल किया बरामद। एसपी साउथ ने किया खुलासा। गैंगस्टर एक्ट के वांछित शातिर पशु तस्कर राजेश उर्फ राजेश लोना को बांसगांव थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने किया खुलासा। ठंड से बचाव के लिए जनपद में जिला प्रशासन के द्वारा तहसीलों के माध्यम से अभी तक जरूरतमंदों में वितरित किया जा चुका है 42,000 कंबल। आगे भी वितरण का कार्य है जारी। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तर प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा आयोजित 15 दिवसीय मंडल स्तरीय प्रदर्शनी का अपर आयुक्त अजय कांत सैनी ने फीता काट कर किया शुभारंभ। प्रदर्शनी में लगाए गए स्टॉलों का किया अवलोकन। कहा प्रदर्शनी के माध्यम से खादी को मिल रहा है बढ़ावा। युवा वर्ग भी अब कर रहे हैं खादी कपड़ों का प्रयोग। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत चालक परिचालक यातायात पुलिस एवं प्रवर्तन सिपाहियों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का किया गया आयोजन। कहा शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण में अनफिट पाए जाने पर उनका ड्राइविंग लाइसेंस किया जाएगा निरस्त और वाहन चलाने से किया जाएगा प्रतिबंधित। गोरखपुर खेल महोत्सव के अंतर्गत जिला स्तरीय बॉक्सिंग एवं हॉकी बालक वर्ग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश ने कहा इस तरह के आयोजन से युवाओं को मिलेगी सकारात्मक सोच और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने से उन्हें प्रदेश स्तर तक नाम रोशन करने का मिलेगा मौका। से बचाव के लिए नगर निगम के द्वारा महानगर में रैन बसेरों की गई है व्यवस्था। रैन बसेरे में पहुंचकर लोग ले रहे हैं लाभ। पानी, शौचालय और रैन बसेरे के बाहर अलाव की है पूरी व्यवस्था। राष्ट्रीय बंधन समिति एवं राष्ट्रीय बंधन युवा परिषद के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। राष्ट्रीय बंधन समिति के प्रदेश महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा तकनीकी के प्रगति के बावजूद रक्त का नहीं है कोई विकल्प। एक यूनिट रक्त बचा सकता है 3 लोगों की जान। मकर संक्रांति तक जनपद में चलेगी तेज हवाएं व रहेगी ठंड। सुबह के समय में सड़कों पर रहेगा फॉग। लाइट जलाकर चलाएं अपना वाहन। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। बेलघाट थाने की पुलिस ने अवैध देशी तमंचे के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान गुड्डू कनौजिया पुत्र स्वर्गीय अमी चंद कन्नौजिया निवासी समहुतापुर थाना बेलघाट गोरखपुर, दूसरा यागवेंद्र यादव उर्फ बबलू यादव पुत्र स्वर्गीय रामदेव यादव निवासी ग्राम जितवारपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक मोटरसाइकिल, दो मोबाइल, दो अवैध देसी तमंचा, दो जिंदा कारतूस को बरामद किया गया है। एसपी साउथ ने बताया कि 8 जनवरी को मुखबिर से सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति अवैध असलहे के साथ तेजी से जैती से बेलघाट की तरफ आने वाले हैं। इस सूचना पर विश्वास कर थाना बेलघाट की पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर उक्त मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों का इंतजार करने लगे कि थोड़ी देर में एक मोटरसाइकिल जैती की तरफ से आती दिखाई पड़ी, जिसको पुलिस बल द्वारा पकड़ लिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बेलघाट के उपनिरीक्षक सर्वेश कुमार राय, विकास नाथ, कांस्टेबल संग्राम सिंह यादव, देवानंद चौधरी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा Thank you.
एक पुराना अपराधी है थाना बेलघाट क्षेत्र का पुदुमन, उसका एक साथी यादवेंद्र है। मुखबिर ने ये बताया कि यादवेंद्र के मोबाइल में उसने देख रखे हैं तरह तरह के अवैध असलहों की फोटोग्राफ। इसके आधार पर पुलिस ने अपनी मुखबिरी की, पतारसी सुरागरसी की, तो पता चला कि यादवेंद्र यादव और गुड्डू कनौजिया ये दोनों मित्र हैं और प्रद्युमन को आगे करके ये अपराध करते हैं। प्रद्युमन हमारा लुटेरा भी है बेलघाट क्षेत्र का। इस आधार पर पुलिस इनके पीछे पड़ी थी। आज सवेरे ये दोनों बाइक से जा रहे थे, जब घेर घार करके पुलिस ने इन्हें पकड़ा और जमा तलाशी लिया तो इनके पास से दो नाजायज असलहे बरामद हो गए, जिनके आधार पर इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ये ADG महोदय के विशेष अभियान ऑपरेशन तमंचा के अंतर्गत पुलिस द्वारा की गई पतारसी सुरागरसी और मुखबिरी से सफलता मिली है। ये अभी जो और छानबीन की जा रही है तो ये घाघरा के उस पार, आजमगढ़ के रौना पार, महराजगंज थाना क्षेत्रों में भी कुछ लोगों को इन्होंने असलहे बेचे हैं, ऐसी जानकारी हुई है, उन पर भी पुलिस की नज़र है। अभी इनका आपराधिक इतिहास नहीं है जो अब तक की जानकारी है, लेकिन ये बात पुख्ता हुई कि प्रद्युमन के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है, उसको यही लोग सपोर्ट करते हैं और इनके मोबाइल में चूंकि मुखबिर ने हथियारों की तरह तरह की फोटो देखी थी और उसकी आशंका के आधार पर पुलिस इनके पीछे काम कर रही है। जिस तरह की बात अभी तक प्रकाश में आ रही है तो इनके एक दो असलहे महाराजगंज और रौना पार क्षेत्र में भी बेचने की शिकायत पुष्ट हो रही है। अभी उस बारे में पूरी जानकारी जो है उसे सार्वजनिक रूप से शेयर करना मेरी समझ से ऑपरेशन के दृष्टिकोण से उचित नहीं। दो असलहे इनसे नाजायज असलहे दो बरामद हुए। बांसगांव थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में SP साउथ तरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राजेश उर्फ राजेश लोना पुत्र चंद्रदेव उर्फ चांददेव निवासी ग्राम कसिहार थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। SP साउथ ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर गैंगस्टर एक्ट में थाने में मुकदमा पंजीकृत था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बांसगांव थाना प्रभारी विज्ञानकर सिंह, उपनिरीक्षक इत्यानंद पांडे, कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार, मोहित सिंह, देवीश वर्मा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना बांसगांव क्षेत्र के एक अपराधी राजेश लोना, जो कि चोरी और गोवध के मामले में कई बार पकड़ा गया था, उसके विरुद्ध थाना बांसगांव पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा अपराध संख्या 380/2022 पंजीकृत किया था। तब से ये फरार चल रहा था। आज बांसगांव पुलिस को इसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इसे तत्काल माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में इसे जेल भेजा जाएगा। ये अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट का वांछित वांटेड क्रिमिनल हमारा है, इसे गिरफ्तार किया गया है और आगे फिर विवेचना में अपराध से अर्जित इसकी संपत्ति की जानकारी करके 14(1) गैंगस्टर एक्ट में इसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
जनपद में ठंड से बचने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा सभी तहसीलों के माध्यम से जरूरतमंदों में 42,000 कंबल को वितरण किया जा चुका है, जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति ठंड में बिना कंबल के ना रहे, जिसके लिए सभी तहसीलों को कंबल दे दिया गया है। अभी तक पूरे जनपद में 42,000 कंबल वितरण किया जा चुका है और अभी 47,000 कंबल मंगाया गया है। जहां पर भी आवश्यकता पड़ रही है वहां पर कंबल वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा कंबल वितरण में स्वयंसेवी संगठन कॉर्पोरेट हाउस ने भी सहयोग किया है, उनके माध्यम से भी कंबल वितरण किया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा महानगर में कंबल को जरूरतमंदों में वितरित किया जा रहा है। जिला प्रशासन का पूरा प्रयास है कि सभी नागरिकों को ठंड में पूरी व्यवस्था मिले। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, जनपद में ठंड से बचने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कितने अभी तक कंबल वितरित किए जा चुके हैं और आगे क्या प्लान है? देखिए, अभी जो कंबल वितरण की जो बात है, अभी तहसीलों के माध्यम से कंबल वितरण की कार्रवाई की जा रही है। नियर अबाउट 42,000 से अधिक कंबल अभी तक वितरित किए जा चुके हैं और टोटल हम लोगों ने तकरीबन 47,500 कंबल मंगाए हुए हैं। तो अभी लगातार जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ वहाँ कंबल उपलब्ध कराया जा रहा है। कंबल वितरण में जो स्वयंसेवी संगठन है और जो कॉरपोरेट हाउस हैं उन्होंने भी सहयोग किया है, उनके माध्यम से भी कंबल वितरण किया जा रहा है। नगर निगम की भी द्वारा कंबल क्रय करके नगरी क्षेत्र में वितरित किया गया है। तो जहां कहीं भी आवश्यकता है वहां पर कंबल वितरण की कार्रवाई पूर्ण रूप से की जा रही है, सभी लोगों को कंबल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तर प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर आयोजित 15 दिवसीय मंडल स्तरीय प्रदर्शनी का अपर आयुक्त अजय कांत सैनी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने विभिन्न प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने प्रदर्शनी में प्रतापगढ़ के अचार के मुरब्बा, सीतापुर के दरी, भदोई के कालीन, जम्मू कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स, उत्तराखंड के सादरी जैकेट, भागलपुर बिहार के सिल्क, पटियाला के जूती, इटावा के चूर्ण, गोरखपुर चौरी चौरा के जूट बैग व अन्य राज्यों जनपद से आए हुए सभी उद्यमियों से उनके उत्पादों की जानकारी ली। जिसके संबंध में अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने बताया कि PMEGP योजना के अंतर्गत ग्रामीण शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए 25 लाख पर 35% मार्जिन मनी की सुविधा उपलब्ध है। खादी को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इस तरह के प्रदर्शनी के माध्यम से खादी को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि अब युवा वर्ग में खादी का प्रयोग कर रहे हैं। प्रदर्शनी में पहले दिन 3.70 लाख की बिक्री हुई। इस अवसर पर ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, अभय सिंह, विजय गुप्ता, शिवजी कुंवर, मार्कंडे सिंह, विजय गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने कहा, अरे आइए आप भी जो है आराम से पकड़ लीजिए। अपर जिलाधिकारी नगर श्री ग्रामोद्योग अधिकारी श्री कृपाल जी खादी का जो है, खादी का हम लोग घर घर पहुँचाएगा लक्ष्य बनाए हुए, इसी पर्पज से सब खादी जो है मोटापा हरण से लेके ये खुद मोटे हैं बताओ कोई मोटे बनाने के लिए जो है लक्ष्य बनाए महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जिसने बिना शस्त्र दुनिया में कुछ नहीं बस सत्य जीवित नहीं था। गांधी जी के ये सब पहन क्या ये भी खादी वाले इसमें यही मूल मंत्र है उनका, उसको लेकर हम सब आज यहाँ पर एकत्र हमारे प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। सारी जगह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा होता बन सकता है, हम फल बोलेंगे इसकी ये घोषणा हमारा
सभी लोग आकर मंच के सामने ये है इनका मटेरियल काफ़ी है आपके पास। हाँ तो बस वही रेट बता दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छी या चिपका के अरे भाई ऐसा मोला, अरे तो दोनों चीज़ें लगी है कि इतना बोर्ड लगाओ भाई, आपने डिस्काउंट वाला बोर्ड लगाओ तो कम से कम रहे तो सर खेस यही है। हम लोग तो जो है पूरे के 350 के मात्र हल्के जाने में मोटा भी हो गए, लेकिन ये अच्छा है पहले ही चलता ही था हल्का जो थोड़ा सा अभी भी आती थी पहले आती थी मोटा बुनाई किया गया है सर। प्रतिमा पर मालार्पण करेंगे, उसके बाद दीप प्रज्वलन होगा। पैर में लग रहा है जाने वाले करता हूं श्री के पाल जी जिला खाली ग्रामीण करते रहे अब उसको सब उसको भी ध्यान देना पड़ता है उसको भी ये क्या इसी का बना हुआ है नहीं 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 ये तो जी कंचन सिंह तो आप खादी प्रदर्शनी में आई हैं जी जी क्या क्या आपको देखने मिला और किस तरह से मुझे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यूनिक दिखती है जैसे कि सबसे ज़्यादा जो टेराकोटा है माटी कला की जो चीज़ें हैं मुझे और कहीं दिखता ही नहीं है बस खादी में ही दिखता है और बाकी मतलब ये जूट बैग वाला है उद्योग है सब चीज़ें यहाँ पे मुझे और कहीं मतलब यूनिक ही दिखता है और हर साल कुछ नया नया ही दिखता है जी जी हाँ मैंने देखा है सब साल इतना बढ़ावा मिलेगा बढ़ावा तो मुझे लगता है मिलना चाहिए मौसम के हिसाब से भी और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं खादी में। अमृता सिंह नाम है जी क्या क्या देखने को मिला है और यहाँ पे अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छे खिलौने कालीन वगैरह हर चीज़ जो हम लोग को चाहिए हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। कितना बढ़ावा मिलेगा इस तरह के प्रदर्शनी से? बढ़ावा तो यहाँ पे देख ही रहे हैं भीड़ की वजह से कितना बढ़ावा है हर चीज़ मिल रहा है लोग इससे प्रोत्साहित हो रहे हैं खरीद रहे हैं तो इससे ज़्यादा बढ़ावा और क्या चाहिए अच्छे रेट में मिल रहा है खादी की वजह से लोग सस्ते दामों में हर चीज़ पहन रहे हैं ले रहे हैं। अगर युवाओं की बात आप भी कितना पसंद आएगा? पसंद तो सबको आ रहा है तभी तो इतना ले रहे हैं सबको पसंद आ रहा है और अच्छा भी है ये सब चीज़ अच्छे दाम पे मिल रहा है। अब यहाँ पर जो है खादी का एक जो हर एक मंडल में एक खादी का एक प्रोग्राम होता है प्रदर्शनी होती है वहाँ पे बहुत सारे जो है अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग जनपदों के जो है व्यापारी आते हैं
और व्यापारियों के कम से कम इस कार्यक्रम के माध्यम से एक तो कम धनराशि की चीज़ें मिल जाती हैं और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे इस समय कड़क ठंड का सीज़न हो रहा है तो यहाँ इस समय बिल्कुल जाड़ों के कपड़े जो है अवेलेबल हैं और मैं समझता हूँ कि पहले भी रहा है तो इस समय बहुत सारे जनता जो है गोरखपुर की आएगी और दूर दूर से इसको देखेगी। जो है ये प्रदर्शनी जो है 15 दिन की है जो है तो अभी हाँ 21 तारीख तक जो है। कितना बढ़ावा मिलेगा इसे ऐसे प्रदर्शनी के माध्यम से, कितना बढ़ावा मिलेगा ये सब चीज़ों को? देखिए ये जो है बहुत सारे जो दूर से आते हैं है उसका उद्देश्य यही रहता है। एक तो ये है कि जो कुछ चीज़ें नॉर्मली मार्केट में नहीं होती हैं उन लोगों को, हमारे जो व्यापारी आते हैं इस तरह की चीज़ों को, जो हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें हैं जो सरकार की तरफ से सहयोग के माध्यम से होता है और उस सहयोग की वजह से ही ये लोग आते हैं, अदरवाइज़ इतनी दूर तक आना इनके लिए संभव नहीं होगा। अभी लोगों में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज आया है परंतु गिने चुने लोगों में दिखाई देता है क्योंकि आजकल रेडीमेड का ज़माना हो गया है, लोगों के द्वारा मेहनत करके बनाई हुई चीज़ों पर का भी प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो है एक आम व्यापार मतलब जनता के लिए है कि कम उन्हें पता चले कि वास्तव में कितनी मेहनत करके कोई चीज़ बनती है और जो फैक्ट्री के माध्यम से बनती है उनकी स्थिति थोड़ी दूसरी होती है, तो हम लोगों को अपने हैंडीक्राफ्ट वालों को सहयोग मिलना चाहिए जिससे उसका लाभ मिलेगा। नहीं, गोरखपुर के लिए यह है कि 21 तारीख तक ये प्रदर्शनी है और यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं तो उनके व्यापारियों की इनकी सामग्रियों को सारी चीज़ को और जो है अलग अलग जनपदों का है तो लोगों का जो है लोगों के अंदर जागरूकता हो और इस तरह के सामग्रियों को इस टाइप के आइटम को खरीदें तो इनका प्रचार प्रसार भी होगा और उनकी बिक्री भी होगी, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत तथा एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में चालक परिचालक यातायात पुलिस एवं प्रवर्तन सिपाहियों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में ट्रैफिक सीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर सड़क सुरक्षा माह अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सभी प्रकार के वाहन के चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण का कैंप लगाया गया है जिसमें 170 स्कूली बस, रोडवेज बस चालकों एवं परिचालकों का परीक्षण कराया गया। इस कैंप में हर बीमारी के आंख, कान, हार्ट, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हड्डी फिजिशियन डॉक्टर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के वाहन चालक, पुलिस लाइन के वाहन चालक, इसके अलावा अन्य वाहनों के भी चालकों का इस शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। उन्होंने कहा कि यदि इस स्वास्थ्य परीक्षण में अनफिट पाए जाते हैं तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और वाहन चलाने से प्रतिबंधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनहित में जो भी वाहन चल रहे हैं उनको ऐसे चालक चलाएं जो शरीर से स्वस्थ हो, फिट हो और किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो जिससे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना होने पाए। इस अवसर पर TSI मनोज कुमार राय, अरुण कुमार पांडे सहित अन्य डॉक्टर एवं ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CO ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह ने कहा, नीचे वाला के लिए 7 2 6 4 7 9 3 वही लाइन उल्टा आपरेशन कराना है नहीं करना।
दोनों से पानी आने लगता है। सड़क सुरक्षा माह जो है 5 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक चलेगा। इस शासन की मंशा के अनुरूप ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में सभी प्रकार के वाहनों के जो चालक हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण कैंप पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में लगा हुआ है, जिसके तहत अब तक करीब 170 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण चालकों का हो चुका है और हर प्रकार के डॉक्टर यहाँ उपलब्ध हैं, जो आँख के भी हैं, हड्डी के भी हैं, फिजिशियन भी हैं, हार्ट के भी हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर भी चेक हो रहा है, तो हर तरीके से उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। इसमें विद्यालयों के जो भी वाहन हैं उनके चालक सम्मिलित हैं, पुलिस लाइन के जो वाहनों के चालक हैं वो सम्मिलित हैं और अन्य भी वाहनों के चालक जो आए हुए हैं उपस्थित हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है कि यदि इनमें वो इस स्वास्थ्य परीक्षण में अनफिट पाए जाते हैं तो उनका जो है ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कराया जा सके और उनको वाहन चलाने से विरत किया जा सके। क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य यही है कि जनहित में जो भी वाहन चल रहे हैं उनको वैसे चालक चलाएं जो बिल्कुल शरीर से मस्तिष्क से स्वस्थ हों, दक्ष हों और किसी प्रकार की कोई रोग या बीमारी उनको न हो, जिससे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न होने पाए। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक भी जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ऑपरेशन तमंचा के दूसरे चरण के अभियान के तहत बेलघाट थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों गुड्डू कनौजिया और यागवेंद्र यादव उर्फ बबलू यादव को किया गिरफ्तार। 2 अवैध देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल किया बरामद। एसपी साउथ ने किया खुलासा। गैंगस्टर एक्ट के वांछित शातिर पशु तस्कर राजेश उर्फ राजेश लोना को बांसगांव थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने किया खुलासा। ठंड से बचाव के लिए जनपद में जिला प्रशासन के द्वारा तहसीलों के माध्यम से अभी तक जरूरतमंदों में वितरित किया जा चुका है 42,000 कंबल। आगे भी वितरण का कार्य है जारी। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तर प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा आयोजित 15 दिवसीय मंडल स्तरीय प्रदर्शनी का अपर आयुक्त अजय कांत सैनी ने फीता काटकर किया शुभारंभ। प्रदर्शनी में लगाए गए स्टॉलों का किया अवलोकन। कहा प्रदर्शनी के माध्यम से खादी को मिल रहा है बढ़ावा, युवा वर्ग भी अब कर रहे हैं खादी कपड़ों का प्रयोग। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत चालक परिचालक यातायात पुलिस एवं प्रवर्तन सिपाहियों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का किया गया आयोजन। कहा शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण में अनफिट पाए जाने पर उनका ड्राइविंग लाइसेंस किया जाएगा निरस्त और वाहन चलाने से किया जाएगा प्रतिबंधित। गोरखपुर खेल महोत्सव के अंतर्गत जिला स्तरीय बॉक्सिंग एवं हॉकी बालक वर्ग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश ने कहा इस तरह के आयोजन से युवाओं को मिलेगी सकारात्मक सोच और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने से उन्हें प्रदेश स्तर तक नाम रोशन करने का मिलेगा मौका। से बचाव के लिए नगर निगम के द्वारा महानगर में रैन बसेरों की गई है व्यवस्था। रैन बसेरे में पहुंचकर लोग ले रहे हैं लाभ। पानी, शौचालय और रैन बसेरे के बाहर अलाव की है पूरी व्यवस्था। राष्ट्रीय वंदन समिति एवं राष्ट्रीय वंदन युवा परिषद के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। राष्ट्रीय वंदन समिति के प्रदेश महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा तकनीकी के प्रगति के बावजूद रक्त का नहीं है कोई विकल्प, एक यूनिट रक्त बचा सकता है 3 लोगों की जान।
मकर संक्रांति तक जनपद में चलेगी तेज हवाएं व रहेगी ठंड। सुबह के समय में सड़कों पर रहेगा फॉग। लाइट जलाकर चलाएं अपना वाहन। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोरखपुर खेल महोत्सव के अंतर्गत रविवार को सिविल लाइन स्थित रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय बॉक्सिंग एवं हॉकी बालक वर्ग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच का शुभारंभ किया तथा क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी आले हैदर ने मुख्य अतिथि को बुके देकर एवं बैच लगाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में आज टीम ने भाग लिया। प्रथम मैच रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम एवं MSI कॉलेज के बीच खेला गया, जिसमें रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम ने MSI कॉलेज को 1-0 गोल के अंतर से पराजित किया। दूसरा मैच कादरी क्लब बनाम मौलाना आजाद हायर सेकेंडरी स्कूल के मध्य खेला गया, जिसमें कादरी क्लब ने मौलाना आजाद हायर सेकेंडरी स्कूल को 5-4 गोल से पराजित किया। वहीं जिला स्तरीय बॉक्सिंग बालक वर्ग प्रतियोगिता में 48 किलोग्राम भार वर्ग के सुब्रत यादव ने आदित्य कुमार को तथा सचिन यादव ने अवनीश सिंह को पराजित किया और 54-57 किलोग्राम भार वर्ग में शिवरतन गुप्ता ने प्रशांत साहनी को पराजित किया। जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के तत्वावधान में गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत गोरखपुर खेल महोत्सव का आयोजन किया है। इसी क्रम में हॉकी और बॉक्सिंग खेल का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से निश्चित तौर पर समाज को जोड़ने का नया कार्य होता है। यहाँ की प्रतिभाएं हॉकी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा हुए हैं और इस तरह के आयोजन से युवाओं में सकारात्मक सोच बढ़ेगी और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने तथा जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक नाम रोशन करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा उपलब्ध कराकर खेलों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि गोरखपुर के खिलाड़ी उत्तर प्रदेश और देश में अपना नाम रोशन करें। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रीता मिश्रा, जय यदुवंशी, रजत सिंह, सूरज कुमार, सुजीत कुमार, अजय सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश ने कहा, प्रदान हुआ है और इसमें दोनों विजेता टीमों को जो होंगी रनर विनर्स दोनों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। प्रमाण पत्र सब के समारोह 12 तारीख को वही तो इस क्लब वाला सम्मान और पुस्तक विमोचन है। कौन कौन टीम है? पूरा मारना या पूरा हाथ है तो आवाज
अकेले के लिए बना ला बतावल नहीं गोरक्षनाथ जी की पावन धरती पर हर वर्ष की भांति इस बार भी गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत गोरखपुर खेल महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के तत्वाधान में जिला प्रशासन और मंडलीय प्रशासन के द्वारा किया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में खेलों के तारतम्य में आज हॉकी मैच का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि खेलों के माध्यम से निश्चित तौर पे समाज को जोड़ने का एक नया कार्य होता है और यहां की प्रतिभाएं जो कि पूर्व में भी हॉकी में तमाम अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा हुए हैं और इस तरह के आयोजन से निश्चित तौर पे एक सकारात्मक सोच मिलेगी और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जिले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक देश स्तर तक अपना नाम रोशन करने का मौका मिलेगा। हम लोगों से जो भी चीज़ें सक्षम हो पाएंगी और प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध करा करके खेलों को बढ़ावा दिया जाए जिससे कि हमारे खिलाड़ी गोरखपुर खिलाड़ी उत्तर प्रदेश और देश में अपना नाम रोशन करने युवाओं में क्या संदेश चाहेंगे युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास रहता है और जो लोग शिक्षा से भी जुड़े लोग हैं उनको भी स्वस्थ रहने के लिए खेल से जरूर जुड़ना चाहिए। उसके लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मानसिकता दोनों युवाओं के लिए आज के युग में सबसे आवश्यक चीज है। महानगर में ठंड से बचने के लिए नगर निगम के द्वारा रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है जिसके संबंध में रैन बसेरा संचालक अशोक सिंह ने बताया कि यहां पर 15 नागरिकों को रुकने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उनके ओढ़ने के लिए रजाई की भी व्यवस्था है और बाहर अलाव की व्यवस्था की गई है। यदि किसी व्यक्ति को ठंड लगती है तो वह अलाव के पास बैठ कर हाथ पैर की आग से सिकाई करके अपने शरीर को गर्म करता है। इसके अलावा यहाँ पर पीने के लिए शुद्ध जल शौचालय व नहाने की पूरी व्यवस्था है। वहीं इस संबंध में रैन बसेरा में रुकने वाले नागरिक सुमित यादव ने कहा कि यहां पर घर की तरह व्यवस्था है और साफ सफाई भी है, इस तरह की व्यवस्था कहीं नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नागरिक सुमित यादव, रैन बसेरा संचालक अशोक सिंह, रामकिशन राम समूज, जितेंद्र झा ने कहा। Thank you.
मेरा नाम है सुमित यादव, मैं बस्ती ज़िले से आया हूँ। सर यहाँ पे व्यवस्था एक घर की तरह व्यवस्था देख लो, हर चीज़ आपके सामने दिख रहा है, पूरा तरीके साफ़ सफाई हर चीज़, यहाँ पे कुछ भी दिक्कत प्रकार की दिक्कत नहीं है। ओढ़ने और बिछौने हर चीज़ का गद्दा रजाई की व्यवस्था है, यहाँ पे कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। इससे बढ़िया तो हमें कहीं नहीं मिलेगा रैन बसेरा में। अशोक कुमार सिंह, रैन बसेरा यहाँ पे संचालित हो रहा है। हाँ, यहाँ पे कितने बेड की व्यवस्था है? 15। क्या व्यवस्था यहाँ पे रहने के लिए? एक नंबर का रजाई गद्दा बिछाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अलाव? अलाव सामने आपके चल रहा है। मान के चलिए 7-8-10। हाँ, 5 महिलाओं का ऊपर है। बाकी पानी वगैरह लेटिन बाथरूम ये सब? सब है, एक नंबर का। राम किशन, यहाँ पे कितने बेड लोग रुकने के लिए हैं? कितने लोग यहाँ पे रुक सकते हैं? यही करीब 15 लोग, 15-16। नहीं, इस समय तो रन बसेरा वगैरह लगा हुआ है रोडवेज कैंपस के अंदर, ये सरकारी है, इसका किराया भी देना पड़ता है। अच्छा, तो इसका किराया तो पड़ता है करीब 20,000 रुपये लगभग महीने। बाकी अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर रुकता है तो कितना देना पड़ता है? चार्ज भी लगता है? एक बेड का 100 रुपया। एक बेड का 100 रुपया। क्या क्या उसको आप लोग उपलब्ध करवाते हैं? फोल्डिंग देते हैं, गद्दा देते हैं, चादर देते हैं, तकिया देते हैं, कम्बल ओढ़ने के लिए, पानी और लेटरिन बाथरूम, पूरा स्नान घर व्यवस्था है, यही सुविधा देते हैं। राम शमूज नाम है हमारा। करीब करीब रुकते हैं, कितने लोग रह सकते हैं यहाँ पर? जो है 12 और 26 12 38 हो गया, 38 लोगों की व्यवस्था है सर यहाँ रुकने। 38 लोग? नहीं, 38 लोग नहीं रुकते हैं, लेडीज में बहुत कम आती हैं लेडीजें। पुरुष ज़्यादा रुकते हैं? पुरुष में आ जाते हैं करीब करीब। क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ पर यही है, सोने का बिस्तर, रजाई, तकिया, यही सब उपलब्ध है। पानी के लिए टैंकर लगाया गया है, शौचालय के लिए वो जो है वो बाथरूम ले आए हैं, विभाग से लगाए हैं। हाँ, जितेंद्र झा। यहाँ पे रन बसेरे में कितने लोगों के ठहरने की व्यवस्था की? 10 लोगों की। महिलाएं एक रुके हुए थे। रहने के लिए देखिए साफ सुथरा बिस्तर है, बेड है, रजाई गद्दा तकिया है, उसके बाद नहाने धोने के लिए ठंडा गर्म पानी की व्यवस्था है। कितने लोग प्रतिदिन यहाँ पे रुकते हैं? हमारे सीट पूरा फुल हो जाता है रोज। जी जी। राष्ट्र वंदन समिति एवं राष्ट्र वंदन युवा परिषद के तत्वावधान में जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी एवं सुधा मोदी ने फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में राष्ट्रीय वंदन समिति के प्रदेश महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान के बारे में लोगों को जागरूक करना है और यह सुनिश्चित करना है कि रक्त या इसके घटक पूर्ण रक्त, पैक की हुई लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स उपलब्ध, सुलभ, किफायती और सुरक्षित हो। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत की वार्षिक आवश्यकता लगभग 1.5 करोड़ यूनिट है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक 2 सेकंड में भारत में किसी को रक्त की आवश्यकता होती है और प्रत्येक 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में रक्त की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि तकनीकी के प्रगति के बावजूद रक्त का कोई विकल्प नहीं है और एक यूनिट रक्त 3 लोगों की जान बचा सकता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय वंदन युवा परिषद के अध्यक्ष नवीन चंद्र पांडे, महामंत्री राहुल कुमार समेत संजय श्रीवास्तव, अभिषेक रंजन दुबे, अनुराग श्रीवास्तव, मुकेश यादव, प्रशांत मुदनवाल,
मातृशक्ति अध्यक्ष विनीता पांडे, महामंत्री रीता शर्मा, कोषाध्यक्ष प्रीति श्रीवास्तव, उपासना श्रीवास्तव, सुनीता शर्मा, प्रणव, राहुल गुप्ता, दीपक मौर्य, मुकेश दुआ, देवी लाल गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रवंदन समिति के प्रदेश महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, भारत माता की जय। मैंने 74 बार खुल दी बच्ची का शुगर कंट्रोल कर दी। पीछे आना भाई, बाबू पीछे आ जाएगा। अब हम लोग उधर चले चले जो थोड़ा सा पीछे आइएगा, कॉन्टेक्ट पीछे बाबू। 11:30 एक समाज सेवा ही है ब्लड डोनेट करना। लेकिन अभी कुछ लोगों के दिमाग में लगा है कि खून देने से हम कमजोर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ब्लड डोनेट करने से 4 लोगों को जीवन मिलता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रवंदन समिति द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान शिविर के माध्यम से युवाओं के में समाज सेवा की भावना को प्रबल बनाने की राष्ट्रवंदन समिति हर वर्ष ये कार्यक्रम करती है। जैसा कि जानते हैं, रक्त एक ऐसा शरीर का एक ऐसा अपव्यय है जिसको बनाया नहीं जा सकता। वह परस्पर सहयोग और दान से ही एक दूसरे की जान जब कोई आवश्यकता पड़ती है तो बचती है। इसलिए आज हम लोग रक्तदान के माध्यम से हम उन असहायों को, सैनिकों को अपना ये रक्त डोनेट कर रहे हैं, उनको दान कर रहे हैं जिनको देश के लिए, समाज के लिए ऐसी जरूरत पड़ती है। हम लोग रक्तदान कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते लोगों में, क्या संदेश देना चाहते हैं? एक रक्त 4 जिंदगियां बचाता है। रक्तदान अवश्य करें। रक्तदान करने से कोई शरीर में कमजोरी नहीं होती, जबकि रक्त रिफाइंड होता है, रक्त और बढ़िया हो जाता है। इसलिए रक्तदान के प्रति जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करके वर्ष भर में एक बार सभी को रक्तदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कभी भी भगवान न करे किसी को भी कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए रक्तदान अवश्य करें। जनपद में मौसम विभाग के अनुसार मकर संक्रांति तक तेज हवा व ठंड रहेगी, जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार जो जानकारी प्राप्त हुई है, अभी कुछ दिनों तक जनपद में शीतलहर व ठंडी हवाएं चलेंगी और सुबह के समय सड़कों पर फॉग रहेगा, इसलिए वाहन चलाते समय अपने वाहन का लाइट जलाकर चलें। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति तक मौसम साफ होने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन अभी मौसम ठंडा रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए अभी शीतलहर बनी हुई है और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू जो भी सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है, तो आगामी 10-11 तारीख तक इस तरह की शीतलहर बनी रहेगी, थोड़ी हवाएं भी चलेंगी और डेंस फॉग की भी सूचना उनके द्वारा दी गई है। तो अभी मौसम इसी प्रकार बना रहेगा और ठंड इसी प्रकार अभी आगामी दिनों में रहेगी। कोहरे को देखा जाए, काफी सुबह शाम कोहरे रह रहा है और ठंड हवाएं भी चल रही हैं, क्या अभी भी ये सब चलता है?
बिल्कुल, अभी थोड़ा सा कुछ दिनों तक, अगले 3-4 दिनों तक इसकी संभावना बनी हुई है, धीरे धीरे ये छटना शुरू होगा। ये संभावित है कि मकर संक्रांति के बाद से थोड़ा सा मौसम और साफ होना शुरू हो, लेकिन अभी जो सिचुएशन अगले 3-4 दिनों की प्राप्त हुई है जो उसके अनुसार अभी थोड़ी ठंडक रहेगी। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ऑपरेशन तमंचा के दूसरे चरण के अभियान के तहत बेलघाट थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों गुड्डू कनौजिया और यागवेंद्र यादव उर्फ बबलू यादव को किया गिरफ्तार। 2 अवैध देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल किया बरामद। एसपी साउथ ने किया खुलासा। गैंगस्टर एक्ट के वांछित शातिर पशु तस्कर राजेश उर्फ राजेश लोना को बांसगांव थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने किया खुलासा। ठंड से बचाव के लिए जनपद में जिला प्रशासन के द्वारा तहसीलों के माध्यम से अभी तक जरूरतमंदों में वितरित किया जा चुका है 42,000 कंबल। आगे भी वितरण का कार्य है जारी। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तर प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा आयोजित 15 दिवसीय मंडल स्तरीय प्रदर्शनी का अपर आयुक्त अजय कांत सैनी ने फीता काटकर किया शुभारंभ। प्रदर्शनी में लगाए गए स्टॉलों का किया अवलोकन। कहा प्रदर्शनी के माध्यम से खादी को मिल रहा है बढ़ावा, युवा वर्ग भी अब कर रहे हैं खादी कपड़ों का प्रयोग। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत चालक परिचालक यातायात पुलिस एवं प्रवर्तन सिपाहियों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का किया गया आयोजन। कहा शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण में अनफिट पाए जाने पर उनका ड्राइविंग लाइसेंस किया जाएगा निरस्त और वाहन चलाने से किया जाएगा प्रतिबंधित। गोरखपुर खेल महोत्सव के अंतर्गत जिला स्तरीय बॉक्सिंग एवं हॉकी बालक वर्ग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश ने कहा इस तरह के आयोजन से युवाओं को मिलेगी सकारात्मक सोच और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने से उन्हें प्रदेश स्तर तक नाम रोशन करने का मिलेगा मौका। से बचाव के लिए नगर निगम के द्वारा महानगर में रैन बसेरों की गई है व्यवस्था। रैन बसेरे में पहुंचकर लोग ले रहे हैं लाभ। पानी, शौचालय और रैन बसेरे के बाहर अलाव की है पूरी व्यवस्था। राष्ट्रीय बंधन समिति एवं राष्ट्रीय बंधन युवा परिषद के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। राष्ट्रीय बंधन समिति के प्रदेश महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा तकनीकी के प्रगति के बावजूद रक्त का नहीं है कोई विकल्प। एक यूनिट रक्त बचा सकता है 3 लोगों की जान। मकर संक्रांति तक जनपद में चलेगी तेज हवाएं व रहेगी ठंड। सुबह के समय में सड़कों पर रहेगा फॉग। लाइट जलाकर चलाएं अपना वाहन। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। अब मुझे दे इजाजत। नमस्कार।